नमस्कार दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगी कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, काफी कमेंट्स करके मुझे आगे भी बता रहे हैं कि आप किन टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो आप सभी का धन्यवाद। आप ही सबके कमेंट से आज मैंने एक टॉपिक उठाया है और आज मैं उसी टॉपिक पे बना रही हूँ। ज्यादातर पेरेंट्स का, बच्चों का कहना यह है कि हमारे लिए कुछ नहीं बन रहा, स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बनाइए। स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, कैसे पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान बहुत ज्यादा रहे, इस टॉपिक पे भी कुछ बनाइए। तो इस टॉपिक पे मैंने स्विच वर्ड्स में, ऑयल्स में, अरोमा में मैंने बच्चों के लिए बनाया है। आप चाहें तो उन वीडियोस में स्विच वर्ड भी देख सकते हैं। मैजिकल ऑयल भी मैंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। पर आज मैं बता रही हूँ कि आप स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे एंजल्स की मदद से अपने एग्जाम्स को पास करें। कौन सी एंजल हैं जो उनको एग्जाम में मदद कर सकती हैं, या कौन सी वो एंजल हैं जिनको पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इन्वोक करें और अपने एग्जाम में सक्सेस पाने में वो उनको मदद कर सकती हैं। तो आज हम एंजल्स को लेकर बात करेंगे कि एग्जाम में हमको कैसे एंजल्स की मदद मिलती है, कैसे हमको मदद लेना है और किस किस चीज के द्वारा हम एंजल्स की मदद ले सकते हैं। तो शुरुआत मैं आपको एंजल का नंबर भी दूंगी, पर पहले मैं आपको एंजल के बारे में कुछ बताती हूँ कि एग्जाम से जुड़ी हुई आर्क एंजल कौन है, कैसे वो आपके लिए काम करेंगी, या आप क्या करें जो जिससे वो आपको उनकी हेल्प मिल पाए। तो स्टूडेंट्स के लिए जो एंजल हैं, जो आर्क एंजल हैं, उनका नाम है यूरियल। एग्जाम्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, बच्चे जो स्कूल स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इन सभी चीजों के लिए जो आर्क एंजल हैं वो है यूरियल। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, उनकी एंजल का नाम यूरियल है। क्योंकि यूरियल जो है वो एंजल ऑफ विजडम, एंजल ऑफ नॉलेज, एंजल ऑफ लाइट। तो एग्जाम्स के लिए हमको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? नॉलेज की, विजडम की। तो यही चीज हमको आर्क एंजल यूरियल से मिलती है। तो वो बच्चे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, या जो बच्चे, जो पेरेंट्स ये चाहते हैं उनके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, कुछ अच्छा एग्जाम्स में कर पाए, तो उन सभी लोगों के लिए आर्क एंजल है यूरियल। आपको आर्कएंजल यूरियल से बात करनी है, आर्कएंजल यूरियल से ही अपना कनेक्शन बनाना है जब भी स्टडीज की बात आती है। मैं आगे आपको मेथड भी बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल करें और आर्कएंजल यूरियल से आप कनेक्शन बना सकते हैं। देखिए, एंजल्स को कॉल करना, कैसे उनको बुलाया जाता है, ये चीजें तो एंजल थेरेपी में आप सीखते हैं, आपको तरीका उसमें मेथड बताया जाता है। अगर आपने सीखा हुआ है तो आपको आता ही होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपना पढ़ने बैठें, हमेशा आर्क एंजल यूरियल को कॉल करें, हमेशा आर्क एंजल यूरियल से प्रेयर करें। एंजल्स की प्रेयर इंग्लिश में भी है, मैं आपको हिंदी में आसान शब्दों में बता रही हूँ। अगर आप इंग्लिश में लेकर कंफर्टेबल हैं तो आर्क एंजल यूरियल की जो प्रेयर है उसको आप इंग्लिश में अपने वर्ड्स में बोलें। तो आप कैसे बोलेंगे, आर्क एंजल यूरियल प्लीज मुझसे कनेक्ट हो जाइए, मेरे एग्जाम्स हैं, मैं अपने इस एग्जाम्स में पास होना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इतनी हेल्प करिए कि मैं इस एग्जाम में पास होकर सक्सेस मुझे मिले और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इस तरह से एक प्रेयर 3-4 लाइन की आपको बना लेनी है, उसी प्रेयर को आपको डेली बोलना है, चाहे हिंदी में बना लें, चाहे आप इंग्लिश में बना लें, पर एक प्रेयर 3-4 लाइन की बना लें आर्कएंजल यूरियल के लिए। जब भी घर में पढ़ने के लिए आप बैठें, हमेशा उस प्रेयर को मन में 2-3 बार बोल के बैठे, आर्कएंजल यूरियल प्लीज मुझसे कनेक्ट हो जाइए, मेरी हेल्प करिए, मैं इस एग्जाम में पास होना चाहती हूँ, मैं इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहती हूँ और मेरी हेल्प करिए जिससे मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊं। इस तरह से बच्चे जो पढ़ने, स्कूल के बच्चे हैं वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स के लिए, तो ऐसे 3-4 लाइन की एक छोटी सी प्रेयर बना ले। तो जब भी आप पढ़ने बैठे, आर्कएंजल यूरियल को हमेशा इन्वोक करके बैठे। दूसरी चीज, जब आप एग्जाम देने जाएं, तो जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आप घुसें, उससे पहले आपको आर्कएंजल यूरियल की प्रेयर बोलनी है। वो ही प्रेयर जो आपने छोटी सी बनाई है, आप पढ़ते वक्त बोलते हैं, उसी को एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते हुए बोलिए कि आर्कएंजल यूरियल प्लीज मुझसे कनेक्ट हो जाइए, जब तक आपका एग्जाम चले। मान लीजिए आपका 3 घंटे का एग्जाम है,
तो 3 घंटे तक ऐसा बोलिए कि आप मुझसे कनेक्ट रहकर मेरी एग्जाम में हेल्प करिए और अपनी नॉलेज मुझे दीजिए, जिसकी वजह जिससे मैं इस एग्जाम में सक्सेस हो पाऊँ। तो इस तरह से हम आर्कएंजल यूरियल के साथ कनेक्ट होकर अपने एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हैं, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। आर्कएंजल यूरियल का काम ही है नॉलेज देना। यूरियल को एक इंटेलिजेंट एंजल के रूप में जाना जाता है, तो इसीलिए जब भी इंटेलिजेंसी की बात हो, आर्ट्स की, साइंस की, तब हम आर्कएंजल यूरियल को इन्वोक करते हैं। तो आर्कएंजल आपने यूरियल को इन्वोक हमेशा अपने साथ करके रखना है जो भी स्टूडेंट्स हैं। अब आर्कएंजल यूरियल से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जिनको आप इस्तेमाल करके एंजल के साथ में अपना और अच्छा कनेक्शन बनाए। तो आर्कएंजल यूरियल का जो एंजल नंबर है वो है 4। आपको क्या करना है, 4 नंबर को हमेशा अपने हाथ पे लिखना है। जब भी आप आर्कएंजल यूरियल को इन्वोक करेंगे, 4 नंबर आपके साथ लिखा रहेगा। ज्यादातर 4 नंबर को अपने हाथ पे लिखिए, बच्चों के हाथ पे लिखिए, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन बच्चों का जो स्टडी रूम है उस स्टडी रूम में भी आप 4 सिंबल लगाइए। 4 सिंबल मतलब आर्कएंजल यूरियल की पावर, यूरियल की पावर यानी नॉलेज। तो आपको बच्चों के रूम में 4 नंबर लगाना है, अपनी स्टडी टेबल पे स्टूडेंट्स लगाए हैं, 4 नंबर आपको यूज करना है, 4 नंबर को लिखना भी है। तो ये हो गया आर्कएंजल यूरियल का नंबर। अब हम और ज्यादा कैसे कनेक्शन यूरियल के साथ बनाए, तो देखो आपको क्या करना है, जो भी आपकी विश है आप एक छोटे से कागज में उसको लिख लें। मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आप पास होना चाहते हैं, तो आपने छोटा सा लिख दिया कि आर्कएंजल, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं, एंजल्स भी सुनने में एंजल्स हैं लेकिन शक्तियां हैं जुड़ी हुई हमारे साथ, तो उनको भी हम अपने दोस्तों की तरह उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब आप धीरे 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 रोज उनसे बात करते जाएंगे तो आपको रिस्पॉन्स भी समझ में आने लगेगा कि आपने कोई सवाल पूछा और एंजल ने किसी फॉर्म में आपको जवाब दे दिया उसका। तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है एंजल्स से कम्युनिकेट करना, बहुत अच्छा लगता है। तो आप एंजल्स को भी अपना फ्रेंड मानिए। तो जैसे हम फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं, डियर आर्कएंजल यूरियल, ऐसा करके लिखिए, अपना मैटर लिखिए। आप बच्चे के लिए लिख रही हैं तो आप बच्चे का मैटर लिख दीजिए कि ये मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, इसमें पढ़ाई करे, इस एग्जाम में पास हो जाए, 10th में पास हो जाए, या मैं PSC में सेलेक्ट हो जाऊं, IAS में मैं सेलेक्ट हो जाऊं, या बच्चे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं वो लोग अपने लिए लिखें कि डियर आर्कएंजल यूरियल, मैं ये एग्जाम दे रहा हूं, मैं इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाऊं, मुझे ये मार्क्स मिले, ऐसा छोटा सा लेटर लिखिए 2-4 लाइन का, लास्ट में थैंक्स विद लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसको लेटर को ख़त्म करिए। खत्म करने के बाद आप उसको फोल्ड करके रखिए। आपने उसको फोल्ड कर लिया, अब फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे आप, आ एंजल, ऐसी प्यारी सी एंजल। देखिए आर्कएंजल्स यूरियल से जुड़े हुए क्रिस्टल्स हैं वो है ब्लैक ऑब्सीडियन, वो है टाइगर आई। ये 2-3 क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो आर्कएंजल यूरियल से जुड़े हुए हैं। हर एंजल किसी न किसी क्रिस्टल से जुड़ी हुई है। तो आर्कएंजल यूरियल के जो 2 क्रिस्टल्स हैं वो है टाइगर आई और ब्लैक ऑब्सीडियन। टाइगर आई अभी मेरे पास एंजल नहीं है इसलिए मैं आपको ब्लैक ऑब्सीडियन दिखा रही हूँ। दोनों में से जो भी आपके पास हो तो आप इस तरह से एंजल यूज कर सकते हैं। आप कैसे यूज करेंगे, अपना कागज लेंगे, कागज पे आप ऐसे करके एंजल को खड़ी कर देंगे, इस तरह से अपनी एंजल को ऐसे खड़ा करिए, और साथ में आपको लगाना है एंजल पे सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल। सैंडलवुड लगाना है, या फिर आप बेसिल लगा दें, या फिर आप जिंजर लगा दें। बेसिल यानी तुलसी, जिंजर यानी अदरक। आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, अभी मुझे याद आ रही है। मान लीजिए जहां पर आप आपने कागज रखा, कागज पे आपने एंजल को खड़ा कर दिया, और अगर आपके यहाँ बेसिल है मतलब तुलसी आपके यहाँ लगी हुई है तो आप फ्रेश भी तुलसी रख सकते हैं। आप तुलसी का ऑयल लगाएंगे, खुशबू लगाएंगे, आप फ्रेश तुलसी भी रखिए, क्योंकि आर्कएंजल यूरियल से जो जुड़ी हुई खुशबू है वो ये 3 खुशबू है, सैंडलवुड, चंदन, आपका तुलसी और जिंजर। तो आप तुलसी, अगर आपके पास फ्रेश पत्तियां हैं तो आप फ्रेश पत्तियां भी रख सकते हैं एक अच्छी सी जगह पे, कहीं पर भी ऐसा सजाकर, एंजल को ऐसा सजाकर रख दीजिए,
ऐसे रखिए और कागज के ऊपर आपने जो चिट लिखी है उसके ऊपर आपने एंजल को रखा और साथ में आपने तुलसी की पत्तियां भी रख दीजिए। अगर आपके पास सैंडलवुड है आप सैंडलवुड एंजल पे लगा दीजिए, थोड़ा सा सैंडलवुड लगा दीजिए और रखी रहने दीजिए। और डेली अपनी स्टडी टेबल पे ही आप रख लीजिए, अगर रख सकते हैं छोटी सी बाउल में ऐसे ही एंजल को रख लें तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एंजल से रोज, एंजल के सामने रोज प्रेयर करिए, एंजल से बात करिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते पढ़ते अगर थोड़ा सा समय मिलता है तो अपनी एंजल भी हमारी दोस्त होती हैं, तो आप अपनी फ्रेंड की तरह एंजल से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए, एंजल मेरी ये प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ करके एंजल्स हमको सॉल्यूशन देंगे। देखिए एंजल्स के साथ में ये मतलब बंधन होता है कि वो हमारी मर्जी के बगैर, जब तक हम उनको कॉल ना करें, उनको इन्वोक ना करें, वो हमारी मदद नहीं कर पाते, उनको नहीं परमिशन होती। वो हमारी मदद तभी करते हैं जबकि हम उनको मदद के लिए बुलाएं। तो आपने आर्कएंजल यूरियल को मदद के लिए बुलाया हुआ है तो आर्कएंजल यूरियल आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। अब आपने जो लेटर लिखा है उस लेटर पे ऊपर भी आप फोर बना दीजिए और फोर बना के आर्कएंजल यूरियल को खड़ा कर दीजिए। चाहे ब्लैक ऑब्सीडियन एंजल ले लीजिए, चाहे आप टाइगर आई एंजल ले लीजिए और इस तरह से आप एंजल को खड़ा कर दीजिए और साथ में जहां पर एंजल खड़ी है वहीं चाहे तो पीछे भी आप फोर नंबर चिपका सकते हैं। मतलब फोर नंबर की पावर भी आप दे रहे हैं, आपने ब्लैक ऑब्सीडियन या टाइगर आई के टाइगर आई का क्रिस्टल भी एंजल को दिया, आपने फ्रेग्रेंस भी दे दी। चाहे तो आप चंदन की दे दें, चाहे आप तुलसी की दे दें, तो आपने वो भी दे दिया। अब आपने अपनी एंजल को, आप चाहें तो चंदन की धूप भी लगा सकते हैं रोज, आप तुलसी में, तुलसी के पत्तों में ऐसे रख दीजिए और साथ में चंदन की धूप खुशबू भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है एंजल्स से जुड़ने का। एंजल्स को देखिए पॉजिटिव एंजल है क्या, एक पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने पास कैसे रोक सकते हैं, क्रिस्टल्स के द्वारा, खुशबुओं के द्वारा। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास रहेगी एंजल्स उतना ही अट्रैक्ट होंगी। तो आपने नंबर की पावर भी दी, फोर नंबर भी आपने पास में लिखा है, लेटर पे भी लिखा हुआ है, तो नंबर की पावर दे दी, क्रिस्टल की पावर दे दी, आपने खुशबुओं को भी दे दिया, तो एंजल्स तो अट्रैक्ट होंगी ही होंगी, आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी। जब भी आपको एग्जाम्स में ज़रूरत हो, पढ़ाई में आपका मन ना लगता हो, मन इधर उधर भटक रहा हो, हमेशा इस चीज़ को करें जो मैंने छोटा सा तरीका है, एक छोटी सी जगह अपनी स्टडी टेबल पे ये कोने पे रख लीजिए। बच्चे अपनी स्टडी टेबल पे रखें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको समय भी नहीं लगाना है, बस सामने ही अपने रख लीजिए। जब भी आपका ध्यान जाए अपने एंजल से बात करिए, अपने एंजल को अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपको ये नहीं आ रहा है या आपको वो समझ में नहीं आ रहा है या इस चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा है, सारी चीजें अपनी एंजल को बताइए और फिर देखिए आर्कएंजल यूरियल आपकी कैसे हेल्प करते हैं। फोर नंबर को हमेशा अपने हाथ पे लिखिए, आपको बहुत अच्छा जवाब एंजल्स के द्वारा मिलेगा। आर्कएंजल यूरियल स्टडी के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। तो साथियों ये हुआ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कौन सी हम आर्कएंजल को इन्वोक करें, कौन सी आर्कएंजल की हम मदद से बच्चे एग्जाम्स में पास हो सकते हैं, स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेलेक्ट हो सकते हैं, मैंने आपको ये बताया। आप और भी किसी टॉपिक्स पे चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगी। थैंक यू।